बॉडी स्ट्रेचिंग है बॉल के साथ। तो लेट्स डू विद मी। तो सबसे पहले हम बॉल के साथ लेटेंगे इस तरह। आप अपने हिप्स हैंड स्ट्रिंग काफ फुट को ऐसे बॉल के साथ टच करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा राइट जो लेग है उसको हम पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे फ्लोर के साथ टच करेंगे। अगर आपका टच नहीं हो रहा तो आप अपने हथेली से पैर को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड करने के बाद हम सेम दूसरी लेग से करेंगे। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हिप है वो वॉल से नहीं दूर होना चाहिए, ज्यादा गैप ना हो। तीन चार बार ये ड्रिल आप रिपीट करेंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारी इसमें एक्सरसाइज है उसमें हम पैरों को मोड़ के नीचे की तरफ लाएंगे जितना आप नीचे ला सकते हैं और अपने हाथों को नीच में रख के उन्हें बॉल के साथ प्रेस करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये हमारी लेग्स के लिए। फॉर फ्यू सेकेंड रिपीट दिस एक्सरसाइज 2-3 times। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज में हम दोनों लेग्स को वाइड ओपन करेंगे जितना आप आसानी से कर सकते हैं। फुल आपकी हैमस्ट्रिंग इनर थाइज में एक अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये सभी एक्सरसाइजेस हम 2-3 बार करेंगे। नेक्स्ट हम पैरों को दीवार के साथ लगा के सिर्फ अपने टोज को अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करेंगे 8-10 times। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेच है आप अपने हाथों को फुल स्ट्रेच कर लीजिए साइड में। एक पैर को हम साइड में लेके जाएंगे। जब आपका पूरा फ्लोर के साथ टच होगा तो हम नेक को राइट की तरफ और दूसरी लेग को ऐसे रखेंगे। ये आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। कुछ सेकंड हम ऐसे रोल करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे गद्दे हैं वो फ्लोर से ना उठे हों। वापिस दीवार के साथ पैर लाएंगे। आप दूसरी डायरेक्शन में हम फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही रिपीट कर लेंगे। होल्ड फॉर 2 seconds कम बैक। रिलैक्स। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज में हम ये पैर को फुट को दीवार के साथ लगाएंगे और अपने हेड को इसके साथ टच करेंगे। इनहेल एंड ब्रेथ। इनहेल
एक्सेल करते हुए हम अपने फोरहेड को नीचे रेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से करेंगे। इनहेल एक्सेल। अब दोनों पैरों को हम दीवार के साथ रखेंगे, जितना आप नीचे लेके आ सकते हैं, और सिर को जमीन से टच करेंगे। इनहेल एक्सेल करते हुए होल्ड फॉर 2 सेकेंड। अब पैर को क्रॉस करते हुए हम अपने नी को हथेली से प्रेस करते हुए दीवार पे टच करेंगे। ये हमारी जो हैमस्ट्रिंग थाइस है उसके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। नाउ रिपीट विद सेकंड लेग। या प्रेस होल्ड एंड लीव। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में हम पैरों को दीवार के साथ रखेंगे और सिर्फ अपने बैक को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज में जिन जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो बॉल के साथ आराम से स्पोर्ट के साथ कर सकते हैं। पहले एक पैर को दूसरे थाई पे रखा, फिर दूसरे पैर को ऐसे, और अब अपने पैरों को बॉल के साथ स्पोर्ट दे दीजिए। होल्ड फॉर 2 सेकेंड। बॉल के साथ प्रतिक्रिया करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने लोअर बैक को कोई हार्म किए बगैर ये पोजीशन में आराम से लेट सकते हैं। नेक्स्ट फुल बॉडी स्ट्रेच के लिए हम अपने आर्म्स को पीछे लेके जाएंगे, या तो फोल्ड कर सकते हैं या पूरा फैला लीजिए, जितना आप पीछे की तरफ हैंड्स को खींच सकते हैं। रिलैक्स फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई